नमस्कार जी, नमस्कार स्वागतम गांधीनगर कैपिटल रेलवे स्टेशन के नवीनीकरण पंचतारक होटल रेलवे अंडरपास नई रेलगाड़ी के शुभारंभ और विभिन्न रेलवे प्रोजेक्ट्स एवं साइंस सिटी के भिन्न भिन्न के लोकार्पण अवसर पर आप सबका स्वागत है हमारा परम सौभाग्य है कि आज इस लोकार्पण अवसर पर हमें प्रेरणा देने वर्चुअल माध्यम से उपस्थित हैं सवा सवासौ करोड़ भारतवासियों के हृदय विकास पुरुष मान्यवर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी व गांधीनगर मत क्षेत्र के सांसद एवं भारत सरकार के गृह व सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी इस ऐतिहासिक घड़ी के प्रत्यक्ष साक्षी गांधीनगर से बने हैं गुजरात राज्य के मान्यवर मुख्यमंत्री श्री श्रीमान विजय भाई रूपाणी जी भारत सरकार के रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव उप मुख्यमंत्री गुजरात राज्य श्री नितिन भाई पटेल भारत सरकार की रेल व कपड़ा राज्य मंत्री श्रीमती दर्शनाबेन जरदोश और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री सी आर पाटिल सांसद एवं विधायकगण और आमंत्रित अतिथिगण आप सबका शब्द पुष्प से स्वागत करने आमंत्रित करते हैं गुजरात राज्य के प्रमुख शासन सचिव श्रीमान अनिल मुकिम जी को आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी आदरणीय मुख्यमंत्री श्री विजय रूपानी जी आदरणीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी आदरणीय उप मुख्यमंत्री श्री नितिन भाई पटेल जी आदरणीय रेल व कपड़ा राज्य मंत्री श्रीमती दर्शना बेनजर दोशी आदरणीय प्रदेश प्रमुख श्री सी आर पाटिल जी उपस्थित आमंत्रित अतिथिगण आज गुजरात के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन और मार्गदर्शन में साकार हुए आठ से अधिक विकास प्रोजेक्ट्स को माननीय प्रधानमंत्री जी अपने कर कमलों से लोकार्पण कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के अपने कार्यकाल के दौरान गुजरात को वैश्विक विकास की नई ऊंचाई पर ले जाने का जो संकल्प किया था उसकी आपूर्ति इन सभी परियोजनाओं के लोकार्पण से हो रही है ये प्रोजेक्ट केंद्र और राज्य सरकार के संबंधों के श्रेष्ठ मेल एवं समन्वय से और एक दूसरे के पूरक बनकर साकार हुए हैं मैं इस विविध लोकार्पण कार्यक्रम के अवसर पर आप सभी का स्वागत करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी को आश्वस्त करना चाहूंगा कि केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से राज्य में कार्यरत अन्य फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स तथा योजनाओं को भी समय पर पूरा करने के लिए गुजरात प्रशासन प्रतिबद्ध और कटिबद्ध है मैं एक बार फिर आदरणीय प्रधानमंत्री जी और सभी महानुभावों का आज के इस कार्यक्रम में हृदय से स्वागत करता हूं जय हिंद जय गुजरात धन्यवाद मान्य वर्षीय अनिल मुकीम जी गुजरात को आज भारतीय रेल द्वारा एक साथ पांच सौगाद मान्यवर प्रधानमंत्री जी के करकमलों से मिल रही है इस ऐतिहासिक दिवस की खुशी में हमारे साथ सहभागी हैं भारत सरकार के नवनियुक्त मान्यवर रेल मंत्री श्रीमान अश्विनी वैष्णव जी आदर से अनुरोध है मान्यवर रेल मंत्री जी को कि आप इस अवसर पर अपनी प्रसन्नता प्रकट करें युग पुरुष परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी भारत सरकार के माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री श्री विजय भाई रूपाणी जी उप मुख्यमंत्री श्री नितिन भाई पटेल जी रेल एवं कपड़ा राज्य मंत्री श्रीमती दर्शनाबेन जरदोश जी वरिष्ठ सांसद एवं गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष श्री पाटिल साहेब वीडियो लिंक के माध्यम से जुड़े सम्मान्य अतिथिगण रेलवे के मेरे साथी तथा बहनों एवं भाइयों प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि रेलवे का विस्तार हो आधुनिक तकनीक आए एवं जनमानस के जीवन में एक परिवर्तन आए जो दिखे जो लोगों को महसूस हो इसी संकल्प की इसी संकल्प को सिद्धि की ओर ले जाना हमारा कर्तव्य है रेल के विकास से राष्ट्र का विकास हो ऐसा माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है इसी कड़ी में पिछले सात वर्षों में रेलवे में कई बदलाव आए बड़े बदलाव आए भारत में निर्मित और भारत में डिजाइन वंदे भारत एक्सप्रेस और तेजस ट्रेन जैसी आधुनिक ट्रेन जो कि आत्मनिर्भर भारत का एक मिसाल बन चुकी है दुनिया भर में इन ट्रेन का नाम हुआ है रेलवे को ग्रीन रेलवे बनाने के रास्ते में बहुत सफलता मिली है इलेक्ट्रिफिकेशन बहुत अधिक मात्रा में हुआ है विशेषकर कोविड जैसी महामारी के समय में रेलवे ने ऑक्सीजन एक्सप्रेस के द्वारा जनता का सारथी बना और गांव-गांव तक घर घर तक ऑक्सीजन पहुंचाई देश के कोने कोने में ऑक्सीजन पहुंचाई किसान रेल ने अन्नदाताओं की उपज को खेत से थाली तक पहुंचाया इसमें मेरे वरिष्ठ मित्र श्री पीयूष जी गोयल जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं। और आज हमारा सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री जी की विजनरी लीडरशिप और मार्गदर्शन में भारतीय रेल के इतिहास में एक सुनहरा अध्याय जुड़ रहा है ये जो जिस बिल्डिंग में आज हम अभी बैठे हैं गांधीनगर कैपिटल रेलवे स्टेशन की ये भव्य इमारत आज भारत के एस्पिरेशन का जीवंत उदाहरण है प्रधानमंत्री जी के विजन का मूर्त रूप है आज महसाना लाइन को ब्रॉडगेज में कंप्लीट किया गया इसका भी आज इसका इलेक्ट्रिफिकेशन भी कंप्लीट हुआ है आज माननीय प्रधानमंत्री जी इन प्रकल्पों का भी लोकार्पण करेंगे गांधीनगर कैपिटल से लेकर वाराणसी सुपरफास्ट एक्सप्रेस और गांधीनगर कैपिटल और वरेठा के बीच एक जनता के लिए अति महत्वपूर्ण मेमू सेवा का भी माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया जा रहा है गुजरात के बहुमुखी विकास के लिए इन प्रकल्पों की प्रमुख भूमिका रहेगी गणों का हृदय से स्वागत करता हूं धन्यवाद नमस्कार धन्यवाद मान्य रेल मंत्री जी आपका पाटनगर गांधीनगर आज से साढ़े तीन दशक पहले रेल सेवा से जुड़ा था तब प्रारंभिक तौर पर स्टेशन पर गांधीनगर के कोयला आधारित विद्युत उत्पादन मथक थर्मल पावर स्टेशन के लिए कोयला लेकर आने वाली माल परिवहन रेल ही आवाजाही करती थी तत्पश्चात गांधीनगर अहमदाबाद से रेल सेवा से जुड़ा और उसके बाद महाकाल की नगरी उज्जैन से जुड़ी रेल सेवा तत्पश्चात हरिद्वार प्रयागराज से जुड़ी रेल सेवा प्राप्त हुई और आज गांधीनगर साप्ताहिक सुपरफास्ट ट्रेन के माध्यम से शिवजी की नगरी व प्रधानमंत्री श्री के निर्वाचन क्षेत्र काशी वाराणसी से जुड़ रहा है इस अवसर पर गांधीनगर निर्वाचन क्षेत्र के सांसद व भारत सरकार के गृह मंत्री श्री अमित शाह हमारे साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुड़े हैं अनुरोध करते हैं मानव गृह मंत्री जी से आप अपनी प्रसन्नता प्रकट करें आज के कार्यक्रम में उपस्थित देश के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी गुजरात राज्य मुख्यमंत्री श्री विजय भाई रूपाणी હમણાં જેમને રેલવેનું સુકાન સંભાળ્યું છે એવા કેન્દ્રીય રેલવે મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવજી ગુજરાતના ઉપમુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ કેન્દ્રીય રેલ રાજ્યમંત્રી દર્શનાબેન જરદોસ ભારતીય જનતા પાર્ટી ગુજરાત પ્રદેશના અધ્યક્ષ અને સાંસદ શ્રી સી આર પાટીલજી ગુજરાત સરકાર રેલવે અને રેલવે અને ગુજરાત સરકારના સંયુક્ત એક કોર્પોરેશનના સભી સૌ કર્મચારી ભાઈઓ અધિકારી ભાઈઓ બહેનો આજે સમગ્ર ગુજરાત માટે અને વિશેષ કરી ગાંધીનગર મતક્ષેત્રના સૌ નાગરિકો માટે ખૂબ આનંદનો દિવસ છે પાંત્રીસ વર્ષ પછી ગાંધીનગરની રેલવે સ્ટેશનનો સંપૂર્ણ કાયાકલ્પ માન્ય નરેન્દ્રભાઈના હાથે આજે થવા જઈ રહ્યો છે બહુ સમય પહેલાં જ્યારે આ રેલવે સ્ટેશનનો વિચાર કર મૂકવામાં આવ્યો એનું મૂર્ત સ્વરૂપ બન્યું સ્પેશિયલ પર્પઝ વ્હીકલ બન્યું અને પછી જ્યારે કન્સ્ટ્રક્શન ચાલુ થયું ત્યારે ઘણા બધા લોકોને લાગતું હતું કે એક પ્રકારથી એન્જિનિયરિંગ સાહસ છે પરંતુ આજે એ સાહસ સફળ થઈ એનું લોકાર્પણ નરેન્દ્રભાઈના હાથે થઈ રહ્યું છે માન્ય વડાપ્રધાન જ્યારે ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી હતા ત્યારે ગુજરાતમાં બધા જ વિકાસના કામો વિશ્વ સ્તરીય થાય એ બાબતમાં એમનો આગ્રહ પણ રહેતો લક્ષો પણ રહેતા હતા અને આયોજન પણ રહેતું હતું અને આજે એના કારણે જ અનેકવિધ ગુજરાતની વિકાસની પરિયોજનાઓ વિશ્વસ્તરીય બની છે અને સંપૂર્ણ વિશ્વમાં નમૂનારૂપ ઉદાહરણરૂપ બની છે એમાં આજ આનો ઉમેરો થવા છે ગાંધીનગર સેન્ટ્રલ રેલવે સ્ટેશન એક પ્રકારથી ખૂબ જ બહુ ઉપયોગી પ્રોજેક્ટ બનવા જઈ રહ્યો છે એની સાથે સાથે અંડરપાસ જેના અંડરપાસથી રોજ અગિયાર હજારથી વધાર ફોર વ્હીલર લગભગ અઢી કિલોમીટરનું ચક્કર કાટવાની જગ્યાએ એક અંડરપાસમાંથી જ નીકળી પોતાના ગંતવ્ય સ્થાન સુધી જશે એ અને સાયન્સ સિટીની અંદર બે ગેલેરી અને એક નેચર પાર્ક આ બધાનું જ લોકાર્પણ થવા જઈ રહ્યું છે સાથે સાથે બે નવી ટ્રેનો પણ આજે જ ચાલુ થવા જઈ રહી છે ગાંધીનગર કેપિટલ રેલવે સ્ટેશનના પુનર્નિર્માણનો પ્રોજેક્ટ લગભગ આઠસો કરોડ રૂપિયાની લાગતથી પૂરો થયો છે અને એની સાથે સાથે એક ફાઇવ સ્ટાર હોટેલ પણ ગાંધીનગરની અંદર ટોટલ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર અને ટુરિઝમ એને ગતિ આપવા માટે બનાવવામાં આવી છે મહેસાણા વરેઠા રેલવેના ખંડનું ગેજ પરિવર્તન અને વિદ્યુતિકરણ અને સુરેન્દ્રનગર પીપાવાવ સેક્શનનું વિદ્યુતિકરણ પણ આજે પૂરું થઈ લોકાર્પણ થવા જઈ રહ્યું છે એની સાથે જ રેલવે જે ગેજ પરિવર્તન અને વિદ્યુતીકરણના લક્ષ્ય રાખ્યા છે એ ખૂબ આગળ જશે રેલવે ગુજરાતની અંદર અનેકવિધ પરિયોજનાઓ શ્રી નરેન્દ્ર મોદીજીના પ્રધાનમંત્રી બન્યા પછી પૂરી કરી છે હમણાં જ દુનિયાના સૌથી ઊંચા સરદાર સાહેબના સ્ટેચ્યુને વિશ્વના માનપટલ પર આવ્યા પછી દેશની મહત્વપૂર્ણ આઠ જગ્યાઓ સાથે જોડવાનું કામ રેલવે પૂરું કર્યું અને આજે ગાંધીનગરને બાબા વિશ્વનાથની નગરી વારાણસી સાથે જોડવાનું કામ પણ પૂરું થશે એની સાથે ગાંધીનગરથી વરેઠાની વચ્ચે એક મેમુ સર્વિસ ટ્રેનની પણ શરૂઆત થશે જે અવર જવર કરવાવાળા સૌ પેસેન્જરો માટે ખૂબ જ ઉપયોગી સિદ્ધ થવાની છે એક એકવીટિક ગેલેરી અને સાયન્સ સિટીની અંદર રોબોટિક્સ ગેલેરી આ બંને ગેલેરી સાયન્સની અંદર રૂચિ ધરાવનારા વિદ્યાર્થીઓ માટે ખૂબ મહત્વપૂર્ણ સાબિત થવાની છે રોબેટિક્સ ગેલેરીની અંદર લગભગ અગિયાર હજાર વર્ગ મીટરના ક્ષેત્રની અંદર રોબેટિક ઉદ્યોગો અને એના આયામોને ખૂબ રસપ્રદ રીતે નાના બાળકોની સામે રજૂ કરવાનો પ્રયાસ થયો છે માનવ રોબોટ સંવાદથી લઈ અનેક પ્રકારના કૃષિ અંતરિક્ષ રક્ષા અનેક ક્ષેત્રોની અંદર રોબોટના વિવિધ ઉપયોગો ત્યાં બતાવવામાં આવ્યા છે એમ જ જે એક્વેટિક ગેલેરી છે એની અંદર લગભગ ચાલીસ લાખ લીટર પાણી ભરી વેલથી લઈ અનેક પ્રકારના સમુદ્રી જીવોનો એક ગેલેરીની અંદરથી અનુભવ બાળકો કરી શકે અને સમુદ્રની નીચેની પૂરા જગતનું એમની જિજ્ઞાસા સંતોષાય એ પ્રકારનું એક મહત્વપૂર્ણ કામ આજ સાયન્સ સિટીની અંદર થવા જઈ રહ્યું છે અને એની સાથે લગભગ આઠ હેક્ટરમાં તેર કરોડ રૂપિયાના ખર્ચે નેચર પાર્ક પણ આજે પ્રધાનમંત્રીજીના હસ્તે લોકાર્પણ થવાનું છે એને આગળ પર એક બાયોલોજીકલ પાર્કમાં પાર્કમાં પણ કન્વર્ટ કરવાની યોજના સાયન્સ સિટીની છે આ બધા જ કાર્યક્રમો આજે જે શરૂ થવા જઈ રહ્યા છે લોકાર્પણ થઈ રહ્યું છે એ બધા જ કાર્યક્રમો મારા માટે બહુ જ સૌભાગ્યની વાત છે કે મારા મતક્ષેત્ર ગાંધીનગરમાં શરૂ થવા જઈ રહ્યા છે એટલા માટે હું માન્ય વડાપ્રધાનજીનો ખૂબ હૃદયપૂર્વક ગાંધીનગર મતક્ષેત્રના અને ગુજરાતના સૌ મતદારો વતી હૃદયપૂર્વક આભાર માનવા માગું છું કે આ પાંચ સોગાતો તમે જે આપી રહ્યા છો એ ગાંધીનગર મતક્ષેત્રના સૌ મતદારો માટે ખૂબ ઉપયોગી સિદ્ધ થવાની છે અને ગુજરાતના વિકાસમાં એક નવો મિલનો પથ્થર આના દ્વારા આગળ વધવા જઈ રહ્યો છે એ વખતે ગુજરાત સરકાર ગુજરાત સરકારના સૌ પદાધિકારીઓ

आमंत्रित करते हैं मान्यवर मुख्यमंत्री जी से आप अपना संबोधन करें विकास की राजनीति के प्रेरणा स्रोत और भारत माता को जगत जननी विश्व गुरु की वैश्विक ऊंचाई देने वाले हम सबके हृदय में रहने वाले प्रधानमंत्री और गुजरात के दुलारे ऐसे नरेंद्र भाई मोदी जी गुजरात के सपूत गांधीनगर के सांसद जिनके निर्वाचन क्षेत्र में आज ये सब लोकार्पण हो रहा है ऐसे हमारे केंद्रीय गृह मंत्री सहकारिता मंत्री आदरणीय श्री अमित भाई शाह अभी मोदी जी के नेतृत्व में मंत्रिमंडल में शामिल हुए और भावनागर के साथ जिनका पहले से रिश्ता है ऐसे हमारे नए रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी हमारी गुजरात की बहन सूरत की सांसद और रेल राज्य मंत्री श्रीमती दर्शना बहन जरदोस्त गुजरात के हमारे डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर श्री नितिन भाई पटेल गुजरात भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद श्रीमान सी आर पाटिल जी आज गुजरात को आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के कर कमलों से विकास कार्यों की माला भेंट स्वरूप में मिल रही है पिछले डेढ़ दो साल से इस कोरोना काल के मुश्किल दौर में विश्व के कई राष्ट्रों में आर्थिक गतिविधियां कामकाज विकास स्थगित हो गया था तब हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई के नेतृत्व में एक 125 करोड़ भारतीयों ने न झुकना न रुकना इस मंत्र से सबने साथ मिलकर विकास की गति आर्थिक गतिविधि सभी कारोबार को रुकने नहीं दिया माननीय प्रधानमंत्री श्री ने कड़ाई भी और दवाई भी इस ध्येय मंत्र के अनुसार आज गुजरात को उनके कर कमलों से बहुविध विकास प्रोजेक्ट वर्चुअल माध्यम से भेंट मिल रही है गुजरात में गांधीनगर में हमारी विधानसभा हमारा सेक्रेटरियल गांधी कुटीर महात्मा मंदिर अब ये गांधीनगर कैपिटल रेलवे स्टेशन एक ही लाइन में विशेष रूप से प्रस्तुत किया जा रहा है गुजरात की विकास यात्रा को उत्तम से सर्वोत्तम तक ले जाने में प्रधानमंत्री श्री की प्रेरणा और मार्गदर्शन से साकार हो रहे ये प्रोजेक्ट्स, नए सीमा चिन्ह बनेंगे ऐसा मुझे पूरा विश्वास है आज गुजरात की गुजरात के विकास की चर्चा और तुलना देश के अन्य राज्यों के साथ ही नहीं किंतु विश्व के विकसित देशों के साथ होती है गुजरात देश का ग्रोथ इंजन, मैन्युफैक्चरिंग हब और सबसे ज्यादा एफडीआई प्राप्त करने वाला राज्य बना है जिसका मूल प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र भाई मोदी ने उनके मुख्यमंत्री के कार्यकाल के दौरान गुजरात की बुलंदी और बुलंद विकास इमारत को कि जो नींव रखी है उस नींव में है गांधीनगर बरसों से रेलवे सेवाओं से वंचित राजधानी थी आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने शुरू से ही सफर से अलावा व्यवसाय और आतिथ्य सरकार सत्कार को बढ़ाने के लिए उच्च स्तर के रेलवे स्टेशन तैयार करने के प्रयास किए प्रधानमंत्री श्री ने अब राजधानी के तौर पर गांधीनगर की गरिमा और उज, उसको और उजागर करने के लिए आधुनिक रेलवे स्टेशन की आज भेंट दी है आज प्रधानमंत्री श्री गांधीनगर को नई रेलवे ट्रेन की सुविधा भी अर्पण करने वाले हैं गुजरात की राजधानी गांधीनगर को शिव जी की नगरी वाराणसी काशी के साथ जोड़ने वाली नई साप्ताहिक ट्रेन गांधीनगर वाराणसी सुपर फास्ट एक्सप्रेस ट्रेन का भी प्रधानमंत्री श्री प्रारंभ करने वाले हैं। जैसे औद्योगिक विस्तार में से उद्योग के सामान परिवहन के लिए तेज ट्रेन सेवा के लिए सुरेंद्र नगर की दो, दो सौ किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन की इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्यकाल का भी लोकार्पण हो रहा है प्रधानमंत्री श्री के बतन वड़नगर को जोड़ने वाले मेहसाणा वरेठा इलेक्ट्रीफाइड ब्रॉडगेज रेल खंड का भी आज प्रधानमंत्री श्री के कर कमलों से शुभारंभ होने वाला है प्रधानमंत्री श्री गांधीनगर वरेठा मेमू ट्रेन का भी प्रारंभ करने वाले हैं साथियों रेलवे के लिए गुजरात को सालों तक अन्याय सहना पड़ा है मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने वर्षों की इन अन्याय से विपरीत नए प्रोजेक्ट्स, रेलवे ट्रेन की भेंट गुजरात को देकर पूर्ण विकास के द्वार अब खोल दिए हैं। इस प्रोजेक्ट से कनेक्टिविटी और सुविधा बढ़ेगी महात्मा मंदिर जैसा विशाल कन्वेंशन सेंटर राजधानी का अति आधुनिक पूर्ण रेलवे स्टेशन और फाइव स्टार होटल देश विदेश से गांधीनगर आने वाले लोगों के लिए तीनों अनमोल उपहार बनेंगे प्रधानमंत्री श्री ने विश्व स्तर के समीट और कॉन्फ्रेंस के लिए वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधा भी महात्मा मंदिर जैसे विशाल कन्वेंशन सेंटर और एग्जीबिशन सेंटर के माध्यम से दी है विश्व की सारी महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंस यहाँ पे होगी और गांधीनगर सारी दुनिया में सुप्रसिद्ध होगा जिसका हमें अत्यंत आनंद है देश विदेश से आते वैश्विक निर्वेशकारों उद्योग व्यापार के प्रतिनिधियों को इन कन्वेंशन सेंटर के नजदीकी वर्ल्ड क्लास आवास सुविधा मिले उस उद्देश्य और उनकी प्रेरणा से तीन रूम की सुविधा वाली आधुनिक फाइव स्टार होटल का भी निर्माण होगा प्रधानमंत्री श्री ने गुजरात के साइंस सिंट, साइंस सिटी में 405 करोड़ रुपया की लागत से निर्माण हुए तीन नए आकर्षणों का भी वर्चुअल लोकार्पण करेंगे आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने अपने मुख्यमंत्री के कार्यकाल दरमियान एक बड़ा विजन के साथ गुजरात के बच्चे युवाओं को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और साइंस में रुचि बढ़ाने के लिए साइंस सिटी का विकास किया था साइंस सिटी फेज टू में आज आठ हेक्टर में नेचर पार्क भारत की सबसे बड़ी मछली घर का और रोबोटिक गैलरी का भी लोकार्पण करेंगे साइंस सिटी में बने भारत के सबसे बड़े मछली घर में देश विदेश की ग्यारह हज़ार से अधिक मछलियों देखने की मिलेगी और वहां के कियोस्क के माध्यम से मछली और समुद्री विज्ञान का जानकारी भी मिलेगी आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने गुजरात में विकास का स्टैंडर्ड बेंचमार्क सेट किए हैं और इस डेवलपमेंट स्टैंडर्ड को बनाए रखने के लिए विकास की गति को और ज्यादा तेज करने के लिए गुजरात सरकार प्रतिबद्ध है और इसलिए गुजरात में अंतरराष्ट्रीय स्तर के विकास कार्यों और प्रोजेक्ट की योजना बनती रहती है और आगे बढ़ते हैं गुजरात में लोक कल्याण के कार्य होते रहे लोगों की सुख सुविधा बढ़ाने वाले प्रोजेक्ट साकार होते रहे और गुजरात का विकास वर्ल्ड क्लास बने ऐसा हमारा संकल्प है इंटरनेशनल एयरपोर्ट सरदार पटेल स्पोर्ट्स संकुल मोदी स्टेडियम मेट्रो ट्रेन कीप सिटी महात्मा मंदिर अब नए नवनिर्मित रेलवे स्टेशन फाइव स्टार होटल साइंस सिटी फेज टू गुजरात की वैश्विक पहचान और ज्यादा मजबूत होगी हम सबको साथ मिलकर गुजरात की विकास यात्रा को अविरत रखना है प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कोरोना की दोनों लहर को गुजरात के साथ साथ पूरे देश ने दृढ़ता पूर्वक मुकाबला किया है ऐसे कठिन समय में भी विकास कार्य को रुकने नहीं दिया है और सबको साथ लेकर सबका विकास ये हमारा मूल मंत्र रहा है और उसको आत्मसात करने वाले आज के इस अवसर पर मैं प्रधानमंत्री श्री गृह मंत्री रेलवे मंत्री श्री, श्री, श्री सबके सारे गुजरात के जनता की ओर से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं धन्यवाद जय जय गरवी गुजरात भारत माता की जय धन्यवाद मान्यवर मुख्यमंत्री श्री आपका प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से निर्मित महात्मा मंदिर कन्वेंशन सेंटर की सुविधा में जोड़ती कड़ी के रूप में कैपिटल रेलवे स्टेशन का नवीनीकरण इकहत्तर करोड़ रुपए की लागत से हुआ है रेलवे स्टेशन के निकट निर्माण हुई 318 कमरे की सुविधा सबर पंतारक होटल का भी निर्माण हुआ है आइए इन दोनों को देखें एक शॉर्ट फिल्म के माध्यम से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने राजधानी गांधीनगर को दिया वर्ल्ड क्लास महात्मा मंदिर जो बनता आया है स्वदेशी और विदेशी दिग्गजों का मेजबान और ऐसे वर्ल्ड क्लास महात्मा मंदिर के लिए उन्होंने सपना देखा था कि यहाँ मेहमानों का स्वागत हो बेहतर कनेक्टिविटी और वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटैलिटी से तो आज ये दोनों सपने सच होने जा रहे हैं महात्मा मंदिर के निकट स्थित गांधीनगर रेलवे स्टेशन की हो चुकी है काया पलट और इस कैपिटल सिटी को मिलने जा रहा है पहला रीडेवलप्ड गांधीनगर कैपिटल स्टेशन एयरपोर्ट की तर्ज पर बना ये स्टेशन है सुविधाओं और सुंदरता का मॉडर्न संगम यहाँ प्लेटफॉर्म्स को जोड़ते हैं अंडरपास, हैंगिंग लाइट्स वर्टिकल और मनमोहक गार्डन बढ़ाते हैं ब्यूटी और यूटिलिटी शिशु आहार कक्ष प्राथमिक उपचार रूम स्पेशल प्रार्थना कक्ष मल्टीपर्पज हॉल सबवे, एस्केलेटर्स और आधुनिक पार्किंग बढ़ाएंगे यात्री सुविधाएं इस स्टेशन के ऊपर स्थित है 318 रूम से सज्जित होटल भी मतलब कि होटल स्टेशन दांडी कुटीर महात्मा मंदिर और स्वर्णिम पार्क इन सभी का नजारा मिलेगा एक कतार में इतना ही नहीं प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में गुजरात की रेल कनेक्टिविटी को और सुलभ बनाने के लिए भारतीय रेल ने किया है 264 किलोमीटर लंबे सुरेंद्रनगर पीपावाव खंड का विद्युतीकरण भी इस रूट के द्वारा पीपावाव बंदरगाह के भारी फ्रेट लोडिंग वाली डबल स्टैक कंटेनर ट्रेनों का उत्तर भारत की ओर निर्बाध परिचालन संभव हो सका है इसके साथ ही 55 किलोमीटर के महिसाणा बरेठा रेल खंड का विद्युतीकरण सहित ब्रॉड गेज में आमान परिवर्तन किया गया है परियोजना के अंतर्गत महसाणा जिले का रेलवे स्टेशन इस खंड का एक महत्वपूर्ण स्टेशन है यहाँ आकर्षक स्टेशन भवन के साथ सभी आवश्यक यात्री सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। आज प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं विकास के ये सभी कार्य राष्ट्र को समर्पित रीडेवलप्ड गांधीनगर कैपिटल स्टेशन और 318 कमरे वाला होटल सुरेंद्र नगर के बीच रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन वनगर स्टेशन के साथ महसाणा वरेठा के बीच इलेक्ट्रिफाइड ब्रॉडगेज लाइन फ्लैग ऑफ गांधीनगर से वरेठा के बीच सेवा गांधीनगर वाराणसी के बीच नई साप्ताहिक सुपरफास्ट ट्रेन गांधीनगर को लगेंगे चार चांद गुजरात को मिलेगा विकास अपार इलेक्ट्रीफिकेशनगर स्टेशन के साथ के बीच गांधीनगर से परेठा के बीच मेमो सेवा गांधीनगर वाराणसी के बीच नई साप्ताहिक सुपर ट्रेन गांधीनगर को लगेंगे चार चांद गुजरात को मिलेगा विकास अपार जैसा कि शॉर्ट फिल्म में हमने देखा आज गुजरात को रेल के नए प्रकल्प मिल रहे हैं आमंत्रित आम करते हैं मान्यवर प्रधानमंत्री जी को कि आप रिमोट कंट्रोल से बटन दबाकर इस विविध विकास प्रकल्पों की पट्टिकाओं का अनावरण करें गांधीनगर को दो नई रेल सेवा उपलब्ध हो रही है गांधीनगर से वाराणसी के बीच साप्ताहिक सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन व वरेठा गांधीनगर मेमू ट्रेन आमंत्रित करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी को कि आप हरी झंडी दिखाकर इस रेल सेवा का शुभारंभ अपने करकमल से करवाएं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के कार्यकाल दौरान एक सपना संजोया था विश्व की श्रेष्ठतम विज्ञान प्रौद्योगिकी नगरी का गुजरात की धरती पर निर्माण करना आज इस विज्ञान नगरी के तीन नए प्रकल्प का लोकार्पण मान्यवर प्रधानमंत्री करने वाले हैं आइए इस प्रकल्पों के बारे में जाने इस शॉर्ट फिल्म के माध्यम से जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के इस विजन को साकार करने के लिए अहमदाबाद स्थित गुजरात साइंस सिटी श्रेष्ठ और प्रमुख साइंस सेंटर ऑफ इंडिया के नए अवतार में आ रही है केंद्रीय गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह के मार्गदर्शन में और माननीय मुख्यमंत्री श्री विजय रूपानी की सीधी देखरेख में विजिटर्स के लिए तीन नए शानदार आकर्षण तैयार किए गए हैं जिनका लोकार्पण आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया जा रहा है एक्वेटिक गैलरी यहाँ पर एक प्रजाति के ग्यारह से भी ज्यादा जलीय जीवों की झलक देखी जा सकती है विजिटर्स समुद्री थीम पर आधारित मुख्य खंड में प्रवेश करेंगे गैलरी का सफर शुरू करते हुए विजिटर्स दस विभिन्न समुद्री क्षेत्रों की यात्रा से गुजरेंगे जैसे कि इंडियन जोन एशियन जोन अफ्रीकन जोन अमेरिकन जोन ओशन ऑफ द वर्ल्ड और अन्य मुख्य टैंक के अंदर बनी 28 मीटर की वर्ल्ड क्लास वॉकवे टनल विजिटर्स को समुद्र तल पर शार्क एवं अवशेषों के बीच चलने का अद्भुत अनुभव प्रदान करेगी यहाँ बना अनोखा 5D थिएटर आपको रोमांचक और मजेदार अनुभव प्रदान करेगा रोबोटिक गैलरी 11,000 स्क्वायर मीटर के विस्तार में निर्मित रोबोटिक गैलरी इंटरैक्टिव गैलरी के रूप में अत्याधुनिक रोबोटिक टेक्नोलॉजीज का प्रेजेंटेशन है यहाँ रोबोट की विशाल प्रतिकृति आपको प्रवेश द्वार पर ही कौतूहल और उत्साह से भर देगी गैलरी की हर एक मंजिल पर अलग अलग क्षेत्रों में रोबोट की उपयोगिता और लाभ का प्रेजेंटेशन है जैसे कि मेडिसिन एग्रीकल्चर स्पेस डिफेंस और दैनिक जीवन में रोबोट की उपयोगिता अनोखा वीआर जोन विजिटर्स को विशाल आभासी दुनिया के सफर में ले जाएगा रोबोटिक गैलरी का सफर रोबोट कैफे की मुलाकात के बिना अधूरा है यहाँ रोबोट शेफ खाना बनाएंगे और रोबोट वेटर्स आपकी जगह पर आकर खाना पेश करेंगे नेचर पार्क 20 एकड़ के विस्तार में फैले इस नेचर पार्क में मिस्ट बैम्बू टनल ऑक्सीजन पार्क बटरफ्लाई गार्डन कलर गार्डन चेस और योगा स्पेस जॉगिंग ट्रैक वॉकिंग ट्रैक और बच्चों के लिए दिलचस्प भूल भुल भी है विजिटर्स के अनुभव को आसान बनाने के लिए गुजरात साइंस सिटी द्वारा एक खास मोबाइल ऐप बनाई गई है इस ऐप के द्वारा आप एडवांस बुकिंग करवा सकते हैं और यह ऐप डिजिटल गाइड की भूमिका में आपको परिसर के मैप के साथ दिशा निर्देश भी देगी यह ऐप उत्सुक लोगों को हर अट्रैक्शन की विस्तृत जानकारी भी देगी गुजरात साइंस सिटी में आइए और ज्ञान विश्व में डुबकी लगाइए गुजरात साइंस सिटी कनेक्टिंग कम्युनिटी विद साइंस और अब अनुरोध है माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी से कि आप साइंस सिटी के तीन नए प्रकल्प की पट्टिकाओं का अनावरण अपने कर से संपन्न करें समय था जब देश में शासन करने वालों की यह सोच हुआ करती थी कि जितना हो पाएगा उतना विकास करेंगे लेकिन आज के शासनकर्ताओं की सोच है जितना हम करेंगे उतना विकास होगा यही कारण है कि कोरोना संक्रमण काल के दौरान भी देश की विकास गति धीमी नहीं पड़ी न रुकी न झुकी इस सोच के प्रेरणा स्रोत व देश में विकास की राजनीति के प्रणेता विकास पुरुष माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को आइए तालियों की गूंज के साथ आमंत्रित करें आप हमारा मार्गदर्शन करें प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी नमस्कार मंत्रिपरिषद के मेरे साथी और गांधीनगर के सांसद श्रीमान अमित शाह जी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी गुजरात के मुख्यमंत्री रूपाणी जी उप मुख्यमंत्री नितिन भाई केंद्रीय रेल राज्य मंत्री श्रीमती दर्शनाबेन जरदोस गुजरात सरकार के अन्य मंत्रीगण संसद में मेरे साथी और गुजरात प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान सी आर पाटिल जी अन्य सांसदगण विधायकगण और मेरे प्रिय भाइयों और बहनों आप ने नमस्कार बता मजा आज का दिन 21वीं सदी के भारत की आकांक्षाओं का युवा भारत की भावनाओं और संभावनाओं का बहुत बड़ा प्रतीक है साइंस और टेक्नोलॉजी हो बेहतर अर्बन लैंडस्केप हो या फिर कनेक्टिविटी का आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर नए भारत की नई पहचान में आज एक और कड़ी जुड़ रही है मैंने यहां दिल्ली से तमाम प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण तो किया है लेकिन इनको रूबरू देखने की उत्सुकता मैं बयान नहीं कर सकता मैं मौका देखते ही खुद भी इसे देखने के लिए आऊंगा भाइयों और बहनों आज देश का लक्ष्य सिर्फ कंक्रीट के स्ट्रक्चर खड़ा करना नहीं है बल्कि आज देश में ऐसे इंफ्रा का निर्माण हो रहा है जिनका अपना एक कैरेक्टर है बेहतर पब्लिक स्पेस हमारी जरूरी आवश्यकता है इस प्रकार से कभी पहले सोचा नहीं जाता था हमारी अतीत की अर्बन प्लानिंग में इसको भी एक प्रकार से लग्जरी के साथ जोड़ दिया गया था आपने भी गौर किया होगा कि रियल एस्टेट और हाउसिंग कंपनियों के प्रचार का फोकस पार्क फोकस क्या होता है पार्क फेसिंग घर या फिर सोसाइटी के विशेष पब्लिक स्पेस के इर्द गिर्द होता है यह इसलिए होता है क्योंकि हमारे शहरों की एक बड़ी आबादी क्वालिटी पब्लिक स्पेस और क्वालिटी पब्लिक लाइफ से वंचित रही है अब अर्बन डेवलपमेंट की पुरानी सोच को पीछे छोड़कर देश आधुनिकता की तरफ आगे बढ़ रहा है साथियों अहमदाबाद में साबरमती का क्या हाल था यह कौन भूल सकता है आज वहां पानी की धारा के साथ साथ रिवर फ्रंट पार्क ओपन जिम सी प्लेन ये सब हमारे सेवा में उपलब्ध है यानी एक प्रकार से पूरा इकोसिस्टम बदल चुका है यही बदलाव कांकरिया में किया गया है पुराने अहमदाबाद की एक झील इतनी चहल पहल का केंद्र बन जाएगी ये पहले कभी सोचा ही नहीं गया साथियों बच्चों के स्वाभाविक विकास के लिए मनोरंजन के साथ साथ उनके सीखने और उनकी क्रिएटिविटी को भी स्पेस मिलना चाहिए साइंस सिटी एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो रिक्रिएशन और क्रिएटिविटी को आपस में जोड़ता है इसमें ऐसी रिक्रिएशन एक्टिविटीज हैं जो बच्चों में क्रिएटिविटी को बढ़ावा देती है इसमें खेलकूद है मौज मस्ती है और इसके साथ साथ ये बच्चों को कुछ नया सिखाने का प्लेटफॉर्म भी है हमने देखा है बच्चे अक्सर मां बाप से रोबोट्स और जानवरों के बड़े खिलौनों की डिमांड करते हैं कुछ बच्चे कहते हैं घर में डायनासोर ले आओ कोई शेर पालने की जीत करने लगता है अब माता पिता ये सब कहां से लाएंगे बच्चों को ये विकल्प मिलता है साइंस सिटी में जो ये नया नेचर पार्क बना है ये विशेष रूप से मेरे नंदे साथियों को बहुत पसंद आने वाला है इतना ही नहीं साइंस सिटी में बनी एक्वेटिक्स गैलरी वो तो और भी आनंदित करने वाली है ये देश के ही नहीं बल्कि एशिया के टॉप एक्वेरियम में से एक है एक ही जगह पर दुनिया भर की समुद्री जैव विविधता के दर्शन अपने आप में अद्भुत अनुभव देने वाले हैं वहीं रोबोटिक्स गैलरी में रोबोट्स के साथ बातचीत का आकर्षण का केंद्र तो ही है ही साथ ही ये रोबोटिक्स के क्षेत्र में काम करने के लिए हमारे युवाओं को प्रेरित भी करेगा बाल मन में जिज्ञासा जगाएगा मेडिसिन खेती स्पेस डिफेंस ऐसे अनेक क्षेत्रों में रोबोट्स कैसे काम आ सकते हैं इसका अनुभव यहाँ हमारी वार साथी ले पाएंगे और हाँ रोबो कैफे में रोबोटिक शेप का बनाया और रोबोट वेटर्स का परोसा खाना खाने का आनंद शायद ही वहां आया हुआ कोई व्यक्ति वहां गए भी ना रहेगा कल जब सोशल मीडिया पर मैंने इनकी तस्वीरें पोस्ट की तो ऐसी टिप्पणियां भी पढ़ने को मिली कि ऐसी तस्वीरें तो हम विदेशों में ही देखते थे लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा है तस्वीरें भारत की हैं, गुजरात की हैं। आज इस कार्यक्रम में मेरा आग्रह है कि साइंस सिटी में ज्यादा से ज्यादा बच्चे आए विद्यार्थी आए स्कूलों के रेगुलर टूर्स हो साइंस सिटी बच्चों से चहकता रहे दमकता रहे तो इसकी सार्थकता और भव्यता और बढ़ेगी साथियों मेरे लिए ये बहुत खुशी की बात है कि गुजरात और गुजरात के लोगों का गौरव और बढ़ाने वाले ऐसे अनेक कार्यों का आज शुभारंभ हो रहा है आज अहमदाबाद शहर के साथ साथ गुजरात की रेल कनेक्टिविटी भी और आधुनिक और ज्यादा सशक्त हुई है गांधीनगर और वड़नगर स्टेशन का नवीनीकरण हो महसाणा बरेठा लाइन का चौड़ीकरण और बिजलीकरण हो सुरेंद्रनगर पीपावाओ सेक्शन का बिजलीकरण हो गांधीनगर कैपिटल बरेठा मेमू जैसा ऐसी सेवा की शुरुआत हो या फिर गांधीनगर कैपिटल वाराणसी सुपरफास्ट एक्सप्रेस का शुभारंभ हो इन सभी सुविधाओं के लिए गुजरातवासियों को बहुत बहुत बधाई गांधी नगर से बनारस के बीच ये ट्रेन एक प्रकार से सोमनाथ की धरती को विश्वनाथ की धरती से जोड़ने का बड़ा काम है भाइयों और बहनों 21वीं सदी के भारत की जरूरत 20वीं सदी के तौर तरीकों से पूरी नहीं हो सकती और इसलिए रेलवे में नए सिरे से रिफॉर्म की जरूरत थी हमने रेलवे को सिर्फ एक सर्विस के तौर पर नहीं बल्कि एक एसेट के तौर पर विकसित करने के लिए काम शुरू किया आज इसके परिणाम देखने को मिल रहे हैं। आज भारतीय रेलवे की पहचान उसकी साख बदलने लगी है आज भारतीय रेल में सुविधा भी बढ़ी है स्वच्छता भी बढ़ी है सुरक्षा भी बढ़ी है और स्पीड भी बढ़ी है चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का मॉडर्नाइजेशन या नई आधुनिक ट्रेन हो इस तरह के कितने ही प्रयास ट्रेनों की स्पीड को बढ़ाने के लिए किए जा रहे हैं आने वाले दिनों में जैसे ही डेडिकेटेड फ्रेड कॉरिडोर शुरू हो जाएंगे ट्रेनों की स्पीड और बढ़ेगी तेजस और वंदे भारत जैसी आधुनिक ट्रेनें तो हमारे ट्रैक पर चलने भी लगी है आज ये ट्रेनें यात्रियों को एक नया और अद्भुत अनुभव दे रही हैं। विस्टाडोम कोचेज का वीडियो भी आपने सोशल मीडिया पर जरूर देखा होगा जो लोग स्टेच्यू ऑफ यूनिटी गए होंगे उन्होंने इसका लाभ भी लिया होगा ये कोचेज ईज एंड फील ऑफ जर्नी को एक नए आयाम पर पहुंचाते हैं ट्रेन में चलने वाले सभी लोग अब यह भी अनुभव कर रहे हैं कि हमारी ट्रेनें हमारे प्लेटफॉर्म्स और हमारे ट्रैक्स पहले से कितनी साफ रहने लगे हैं इसमें बहुत बड़ा योगदान उन दो लाख से ज्यादा बायो टॉयलेट्स का भी है जो कोचेज में इंस्टॉल किए गए हैं इसी तरह आज देश भर में प्रमुख रेलवे स्टेशनों का अधिक आधुनिकरण किया जा रहा है टीयर टू और टीयर थ्री शहरों के रेलवे स्टेशन भी अब वाईफाई सुविधा से लेस हो रहे हैं सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी देखें तो ब्रॉडगेज पर अनमैन्ड रेलवे क्रॉसिंग्स को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है कभी भीषण हादसों और अव्यवस्था की शिकायतों के लिए मीडिया में छाई रहने वाली भारतीय रेल आज पॉजिटिविटी लेकर आती है आज भारतीय रेल को दुनिया के आधुनिकतम नेटवर्क और मेघा प्रोजेक्ट के लिए चर्चा में स्थान मिलता है आज भारतीय रेल को देखने का अनुभव और नजरिया दोनों बदल रहे हैं और मैं गर्व से कहूंगा कि आज के ये प्रोजेक्ट भारतीय रेल के इसी नए अवतार की झांकी है साथियों मेरा स्पष्ट मत रहा है कि रेलवे देश के कोने कोने तक पहुंचे इसके लिए रेलवे का हॉरिजेंटल एक्सपांशन जरूरी है इसके साथ साथ रेलवे में कैपेसिटी बिल्डिंग रिसोर्स बिल्डिंग नई टेक्नोलॉजी और बेहतर सेवाओं के लिए वर्टिकल एक्सपांशन भी उतना ही जरूरी है बेहतरीन ट्रैक आधुनिक रेलवे स्टेशन और रेल ट्रैक के ऊपर आलिशान होटल गांधीनगर रेलवे स्टेशन का यह प्रयोग भारतीय रेलवे में एक सार्थक बदलाव की शुरुआत है रेल से सफर करने वाले सामान्य नागरिक को भी एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं मिले महिलाओं और छोटे बच्चों की विशेष जरूरतों को देखते हुए उनके लिए अच्छी व्यवस्था हो ऐसा आधुनिक और सुविधाजनक स्टेशन आज देश को गांधीनगर को मिल रहा है साथियों गांधीनगर का नया रेलवे स्टेशन देश में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर माइंडसेट में आ रहे बदलाव को भी दर्शाता है लंबे समय तक भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर भी एक वर्गभेद को प्रोत्साहित किया गया और मैं आपको बताना चाहूंगा आप सब तो भली भांति गुजरात के लोग जानते हैं हम लोगों ने एक प्रयोग किया था जब मैं मुझे वहां सेवा करने का मौका मिला था हमारे जो बस स्टेशन है उन बस स्टेशन को आधुनिक बनाने की दिशा में काम किया पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर काम किया और जो कभी बस स्टेशन कैसी हालत रहती थी आज हमारे गुजरात में कई बस स्टेशन आधुनिक बन चुके हैं एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं बस स्टेशन पर नजर आ रही हैं और जब मैं दिल्ली आया तो मैंने हमारे अफसरों को गुजरात के बस स्टेशन देखने के लिए भेजा था रेलवे के अधिकारियों को और मैंने उनको समझाया था कि हमारे रेलवे स्टेशन ऐसे क्यों नहीं होने चाहिए लैंड यूज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो रेलवे स्टेशन पर बहुत बड़ी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो और रेलवे अपने आप में सिर्फ ट्रेन का आवागमन नहीं एक प्रकार से इकोनॉमी का ऊर्जा सेंटर बन सकता है जैसे एयरपोर्ट का विकास होता है जैसे गुजरात में बस स्टेशनों का विकास का प्रयोग हुआ है वैसे ही रेलवे के स्टेशनों का भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर विकास करने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं आज गांधीनगर उसकी एक शुरुआत है जन सुविधाओं में ऐसा वर्गीकरण ये जो ये इसके लिए और ये के ये अमीरों के ये सब हो रहा है सब बेकार बातें हैं जी। समाज के हर वर्ग को व्यवस्थाएं मिलनी चाहिए साथियों गांधीनगर का आधुनिक रेलवे स्टेशन इस बात का भी बहुत बड़ा प्रमाण है कि रेलवे के संसाधनों का सदुपयोग करते हुए इसको आर्थिक गतिविधियों का सेंटर भी बनाया जा सकता है आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए ट्रैक के ऊपर ऐसा होटल बना दिया गया है, जहां से रेल चलती हुई तो दिख सकती है लेकिन महसूस नहीं होती जमीन उतनी ही है लेकिन उसका उपयोग दोगुना हो गया है सुविधा भी बेहतरीन पर्यटन व्यापार और कारोबार भी उत्तम जहां से रेल गुजरती है उससे प्राइम लोकेशन भला क्या हो सकता है इस रेलवे स्टेशन से महात्मा मंदिर का जो भव्य दृश्य दिखता है दांडी कुटीर दिखती है वो भी अद्भुत है दांडी कुटीर म्यूजियम आने वाले लोगों या वाइब्रेंट गुजरात समिट में आने वाले लोगों जब देश इसे देखेंगे तो उनके लिए भी एक टूरिस्ट स्पॉट बन जाएगा और आज रेलवे का ये जो कायाकल्प हुआ है महात्मा मंदिर से सटकर के हुआ है इसके कारण महात्मा मंदिर का महात्मा भी अनेक गुना बढ़ गया है अब लोग छोटी मोटी कॉन्फ्रेंस करने के लिए इस होटल का भी उपयोग करेंगे महात्मा मंदिर के उपयोग करेंगे यानी एक प्रकार से साल भर अनेक इवेंट्स के लिए यहां एक सामूहिक रूप से व्यवस्था मिल गई है और एयरपोर्ट से सिर्फ 20 मिनट के रास्ते पर आप कल्पना कर सकते हैं कि देश विदेश के लोग इसका कितना उपयोग कर सकते हैं भाइयों और बहनों कल्पना कीजिए पूरे देश में रेलवे का इतना बड़ा नेटवर्क है इतने अधिक संसाधन है इस तरह की कितनी संभावना उसमें छिपी हुई है साथियों भारत जैसे विशाल देश में रेलवे की भूमिका हमेशा से बहुत बड़ी रही है रेलवे अपने साथ साथ विकास के नए आयाम सुविधाओं के नए आयाम लेकर भी पहुंचती है ये बीते कुछ वर्षों का प्रयास है कि आज नॉर्थ ईस्ट के राजधानियों तक पहली बार रेल पहुंच रही है तो बहुत जल्द श्रीनगर भी कन्याकुमारी से रेल माध्यम से जुड़ने वाला है आज वर्णनगर भी इस एक्सपांशन का हिस्सा बन चुका है और मेरी तो वड़नगर स्टेशन से कितनी ही यादें जुड़ी हुई है नया स्टेशन वाकई बहुत आकर्षक लग रहा है इस नई ब्रॉडगेज लाइन के बनने से वडनगर मोढेरा पाटन हेरिटेज सर्किट अब बेहतर रेल सेवा से कनेक्ट हो गया है इससे अहमदाबाद जयपुर दिल्ली मेन लाइन से सीधी कनेक्टिविटी हो गई इस लाइन के शुरू होने से इस पूरे क्षेत्र में सुविधा के साथ साथ रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर भी खुल गए हैं साथियों मैसाना बरेठा लाइन जहां हमारी धरोहर से हमें कनेक्ट करती है तो सुरेंद्रनगर पीपा लाइन का विद्युतीकरण हमें भारतीय रेल के भविष्य से जोड़ता है ये भारतीय रेल के इतिहास में सबसे कम समय में पूरा होने वाले प्रोजेक्ट्स में से एक है यह रेल लाइन एक महत्वपूर्ण पोर्ट कनेक्टिविटी रूट होने के साथ साथ वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के लिए भी फीडर रूट भी है यह रेल मार्ग पिपावाव बंदरगाह से देश के उत्तरी भागों के लिए डबल टैंक कंटेनरों वाली मालगाड़ी की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने वाला है साथियों देश में यात्रा हो या फिर गुड्स ट्रांसपोर्ट कम समय कम खर्च और बेहतर सुविधा आज इक्कीस सदी के भारत की प्राथमिकता है इसलिए आज देश मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी की तरफ कदम बढ़ा रहा है इसके लिए एक विस्तृत रोडमैप पर काम चल रहा है मुझे विश्वास है ट्रांसपोर्ट के अलग अलग मोड़ को जोड़कर लास्ट माइल कनेक्टिविटी आत्मनिर्भर भारत के अभियान को और गति देगी साथियों नए भारत के विकास की गाड़ी दो पटरियों पर एक साल चलने हुए ही आगे बढ़ेगी एक पटरी आधुनिकता थी। दूसरी पट्टी गरीब किसान और मध्यम वर्ग के कल्याण की इसलिए आज भारत में एक तरफ नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण पर इतना काम हो रहा है वहीं दूसरी तरफ इनका लाभ गरीब को किसान को मध्यम वर्ग को मिले ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है भाई और बहनों गुजरात और देश के विकास के इन कार्यों के बीच हमें कोरोना जैसी महामारी का भी ध्यान रखना है बीते डेढ़ साल में 100 वर्ष की सबसे बड़ी महामारी ने हम सभी के जीवन को बहुत प्रभावित किया है कोरोना संक्रमण ने अनेक साथियों को असमय हमसे छीना है लेकिन एक राष्ट्र के रूप में हम पूरे सामर्थ्य से इसका मुकाबला कर रहे हैं गुजरात ने भी बहुत परिश्रम के साथ संक्रमण की गति को बढ़ने से रोका है अब हमें अपने आचरण से और टेस्टिंग ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट और टीका के मंत्र से कोरोना संक्रमण की दर को नीचे ही रखना है इसलिए बहुत सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है इसके साथ ही हमें वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को निरंतर तेज करना आवश्यक है मुझे खुशी है कि गुजरात तीन करोड़ टीकों के पड़ाव पर पहुंचने वाला है केंद्र सरकार ने टीकों की उपलब्धता से जुड़ी जो जानकारी पहले ही साझा करनी शुरू की है उसे गुजरात को वैक्सीनेशन सेंटर स्तर की रणनीति बनाने में मदद मिली है सभी के प्रयासों से टीकाकरण से जुड़े अपने लक्ष्य को हम तेजी से हासिल कर पाएंगे इसी विश्वास के साथ एक बार फिर से नई परियोजनाओं के लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई धन्यवाद हम आपके ऋणी रहेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी कल अपने संसदीय मध्य क्षेत्र वाराणसी में 1500 करोड़ के विकास कार्यों की भेंट और आज अपनी मातृभूमि वतन भूमि गुजरात में वड़नगर समेत गुजरात को 10 बहुविध विकास कार्यों के लोकार्पण की भेंट प्रधानमंत्री जी ने दी है इस लोकार्पण से गुजरात की वैश्विक विकास यात्रा को नई गति नई शक्ति व नई ऊंचाई प्राप्त होगी इन्हीं शुभकामनाओं के साथ इस समारोह का समापन करने की उदय वैष्णव को अनुमति दें जय गुजरात जय हिंद नमस्कार